नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और ये ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में फिलहाल आपको बता दें कोरोना के 11,269 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़कर 3,95,832 तक पहुंचा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से प्रदेश में 66 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है 4,491। इंदौर में 1,656 नए संक्रमित पाए गए। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ा है 87,625। वहीं भोपाल में 24 घंटे में कोरोना के 1,669 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के लिए ये चिंता का समय बना हुआ है और साथ ही कई चुनौतियां भी इस वक्त प्रशासन के सिर पर है। अब ये देखना होगा कोरोना से आखिर कैसे जंग जीती जा सकती है। तो जबलपुर की बात करें, जबलपुर भी एक नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। 798 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है। 985 नए मरीज सामने आए। उज्जैन में बीते 24 घंटे में कोरोना के 323 नए संक्रमित मरीज मिले हैं।